हेलो स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लॉ से। हमारा आज का लॉ है आजकल लॉ। कल वाली वीडियो में हम लोगों ने बात की कि प्रेशर डेप्थ के साथ, गहराई के साथ कैसे चेंज होती है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। हमने बात की कि कैसे प्रेशर सेम होता है एट ऑल द पॉइंट्स एट सेम डेप्थ, इस बारे में हम लोगों ने कल की वीडियो में बात की थी। आज हम बात करते हैं पास्कल लॉ की। क्या है ये पास्कल लॉ? पास्कल लॉ कहता है इट्स स्टेट दैट इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेगलेक्टेड, अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को हम नेगलेक्ट कर दें यानी कि हम उसे अगर कंसीडर ना करें, उसे अगर ना लें, इट्स स्टेट दैट इफ द ग्रेविटी इफेक्ट इज नेगलेक्टेड then pressure at every point of liquid in equilibrium of rest is same। कहता है अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को कंसीडर ना किया जाए, अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को नेगलेक्ट कर दिया जाए, तो जो प्रेशर की वैल्यू है, प्रेशर की जो वैल्यू है एट एवरी पॉइंट एट सेम डेप्थ, एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड रिमेन्स सेम। जैसे हमने कल बात की थी कि सिर्फ एक डेप्थ पे अगर होता है तो सेम रहता है, पर यहाँ पर वो कहता है अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेगलेक्ट करते हैं तो जो प्रेशर है एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज सेम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम को कैसे लिया जाता है, कौन से फोर्सेस जो है वो बैलेंस हो जाते हैं और नेट फोर्स जीरो बना देते हैं, इन सब की बात हमने कल वाली वीडियो में की थी। ठीक है, जब हमने वेरिएशन विद डेप्थ की बात की थी तो कल हमने इक्विलिब्रियम एक्चुअली में है क्या उसके बारे में हमने कल बात की थी। आगे चलते हैं भाई, जो पास्कल लॉ है, ये तो रही पास्कल लॉ की स्टेटमेंट कि प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम इज सेम। ठीक है, कि प्रेशर की वैल्यू सेम होती है। अब बात करते हैं इसकी प्रूफ की कि आप इस स्टेटमेंट को प्रूफ कैसे करोगे, हाउ यू कैन प्रूफ दिस पर्टिकुलर थिंग। कहते हैं कल की तरह मैंने कहा कि मैंने एक वेसल लिया, उसमें मैंने एक लिक्विड फिल किया हुआ है। मैंने एक वेसल लिया, उस वेसल में मैंने लिक्विड जो है वो फिल किया हुआ है। मैंने उसके अंदर, उस वेसल के अंदर दो पॉइंट सी और डी कंसीडर करे। आई हैव कंसीडर्ड टू पॉइंट्स सी एंड डी इनसाइड द वेसल। जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हमने एक वेसल लिया, उस वेसल में लिक्विड फिल्ड है और उसके अंदर हमने दो पॉइंट कंसीडर किए सी और डी और हमने सपोज किया, वी हैव प्लेस्ड अ सिलेंडर सच दैट इट्स एक्सिस इज सी डी। हमने एक सिलेंडर को रखा इसके अंदर, या एक सिलेंडर जिसके अंदर रखा गया है कुछ इस तरीके से कि उसकी जो एक्सिस है वो सी डी है। ठीक है, हाँ जी बच्चों, आ रहा है समझ? मुश्किल नहीं है, कल वाला ही कॉन्सेप्ट है। फिर से देख लीजिए, मैंने एक लिक्विड का कंटेनर लिया, एक वेसल लिया, उसके अंदर हमने कहा लिक्विड फिल्ड है। हमने कहा सपोज वी हैव टेकन टू पॉइंट सी एंड डी एंड एट दोस पॉइंट हमने एक सिलेंडर कहा कि मान लो यहां पर एक सिलेंडर पड़ा हुआ है जिसकी एक्सिस सी डी है। एक सिलेंडर है जिसकी एक्सिस जो है वो सी डी है। नाउ द लिक्विड इनसाइड द सिलेंडर इज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड आउटसाइड द सिलेंडर। कहते हैं कि जो लिक्विड सिलेंडर के अंदर है, जो लिक्विड सिलेंडर के अंदर है वो लिक्विड या उस लिक्विड पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू द लिक्विड आउटसाइड द सिलेंडर। जैसे मैंने कहा ये मेरा सिलेंडर है, ठीक है, जो इस सिलेंडर के अंदर का लिक्विड है उसके ऊपर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, जो लिक्विड बाहर है उसकी वजह से। जो लिक्विड मेरा सिलेंडर के अंदर है उस लिक्विड पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू द लिक्विड आउटसाइड द सिलेंडर। पर हम तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं, पर हम तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि क्या,
इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस कि नेट फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम कंडीशन मींस कि नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात यहां पर हो रही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात यहां पर हो रही है, इसीलिए जो भी फोर्सेस सिलेंडर के कर्व्ड पार्ट पर लग रहे हैं उनका सम जीरो होगा। मैंने कहा था इक्विलिब्रियम फोर्स यानी कि क्या, नेट फोर्स जीरो ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन सिंपली मींस दैट नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स जीरो हुआ। नेट यानी क्या, उनका सम, उनका टोटल, उनका जो रिजल्ट है। कहते हैं जो भी फोर्सेस कर्व्ड फेस ऑफ सिलेंडर पर लग रहे हैं उनका सम जीरो है। हो गई इक्विलिब्रियम कंडीशन पूरी। अब जो फोर्सेस फेस पे लग रहे हैं उनका क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर दोज फोर्सेस अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन विच आर एक्टिंग एट पॉइंट सी एंड डी? वो फोर्सेस जो सी और डी पॉइंट पर लग रहे हैं, हाँ जी, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? ठीक है, कहते हैं लेट पी वन इज दी प्रेशर एट पॉइंट सी। मान लो सी पॉइंट पर प्रेशर पी वन है, लेट पी वन इज द प्रेशर एट पॉइंट सी, लेट पी टू इज द प्रेशर एट पॉइंट डी। पॉइंट डी पर प्रेशर क्या है? पी टू है। लेट पी वन इज द प्रेशर एट पॉइंट सी एंड पी टू इज द प्रेशर एट पॉइंट डी। ठीक है, सी पॉइंट पर प्रेशर पी वन लग रहा है, हाँ जी, और डी पॉइंट पर प्रेशर पी टू लग रहा है। इसीलिए एफ वन क्या होगा? पी वन ए होगा। F2 फोर्स क्या होगा? P2A होगा। F1 इज इक्वल टू P1A एंड F2 इज इक्वल टू P2A। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है? नेट फोर्स जीरो होने चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर F1 और F2 बराबर है, अगर F1 और F2 बराबर है तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो हो गया ना। क्या हो गया यहां से? F1 माइनस F2 का जीरो ना हो गया, नेट फोर्स जीरो ना हो गया। F1 और F2 बराबर है तो मेरा नेट फोर्स जीरो हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए फोर्सेस, क्योंकि लिक्विड इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, या इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए दोनों फोर्सेस बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए? क्योंकि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अब F1 क्या है? P1 है। F1 क्या है बच्चों? P1 है। F2 क्या है? P2A है। F2 क्या है? P2A है। तो यहां से क्या आ गया? P1 इज इक्वल टू P2 आ गया ना। यहां से क्या आ गया बच्चों? एक रिजल्ट आ गया, P1 इज इक्वल टू P2। P1 क्या था? प्रेशर C पॉइंट पर था। P2 क्या था? प्रेशर D पॉइंट पे था। P1 प्रेशर था C पॉइंट पर, P2 प्रेशर था D पॉइंट पर, यानी कि प्रेशर C और D पॉइंट पर जो प्रेशर की वैल्यूज है वो बराबर है। प्रेशर एट पॉइंट C इज इक्वल टू द प्रेशर एट पॉइंट D। तो ये चीज क्या प्रूफ होगी? प्रेशर सेम है, जैसे हमने दो के लिए प्रूफ किया है, तो ये कंडीशन यहां पर प्रेजेंट दूसरे पॉइंट्स के लिए भी अप्लाई होती है। यहां पर प्रेजेंट दूसरे पॉइंट्स के लिए भी ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो मैं कह सकती हूं कि प्रेशर एट एवरी पॉइंट इज सेम। प्रेशर हर पॉइंट पर सेम होता है। दो पॉइंट का तो मैंने प्रूफ ही कर दिया कि P1 C पर है, P2 D पर है, और P1 और P2 क्या है? बराबर है ना। P1 और P2 क्या है? इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? तो ठीक है,
तो हमने ये प्रूफ कर दिया भाई पास्कल लॉ को, यहां से हमने प्रूफ किया पास्कल लॉ को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है, लेट सी एंड डी आर दी टू सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज विच आर कनेक्टेड बाय पाइप ई। क्या है इसमें, मान लो सबसे पहले इस डायग्राम की बात करते हैं, ये डायग्राम क्या है बेसिकली। इस डायग्राम में मेरे पास दो सिलेंडर है, एक ये सिलेंडर सी और एक ये सिलेंडर डी। बेसिकली इस डायग्राम में हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या है, हमारे पास दो सिलेंडर्स लिए हैं हमने, एक सिलेंडर सी और एक सिलेंडर डी, और इन सिलेंडर्स को एक ई पाइप से आपस में जोड़ा गया है। हमने दो सिलेंडर लिए हैं, वी हैव टेकन द टू सिलेंडर्स, का सिलेंडर डी एंड सिलेंडर डी ई। वी हैव टेकन द टू सिलेंडर्स, हमने दो सिलेंडर लिए हैं, एक सी सिलेंडर और एक डी सिलेंडर, और उनको ई पाइप से जोड़ा है। दीज टू सिलेंडर्स आर कनेक्टेड बाय पाइप ई, ये मेरी पाइप है जिनसे इन दोनों को जोड़ा गया है। ठीक है, जो पाइप है ई वो जोड़ रही है दोनों सिलेंडर्स को, और जो सिलेंडर्स है उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। जो सिलेंडर है उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, दिख रहा है भाई ये पतला है ये मोटा है। जो सिलेंडर्स है उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, क्योंकि ये थिन है सिलेंडर जबकि ये थिक है। अब जो सिलेंडर्स है सी और डी, उन पर एक एक पिस्टन कनेक्ट की गई है। जो सिलेंडर्स है सी और डी, वहां पर एक एक पिस्टन भी कनेक्ट की गई है। ये हमारा लोड है, डायग्राम में मैंने पिस्टन नहीं शो की, आप अपना एज्यूम करके चलिए कि यहां पर एक पिस्टन भी कनेक्टेड है, यहां पर एक पिस्टन भी कनेक्टेड है। जो स्मॉल ए है वो एरिया ऑफ पिस्टन इन सी है, और जो कैपिटल ए है वो एरिया ऑफ पिस्टन इन डी है। जो दोनों सिलेंडर्स हैं उन सिलेंडर्स को के साथ एक पिस्टन प्रोवाइड करवाई गई है। स्मॉल ए एरिया है सी पर लगी हुई पिस्टन का, और कैपिटल ए एरिया है डी पर लगी हुई पिस्टन का। अब मैंने यहां से फोर्स लगाया, मैंने ये फोर्स स्मॉल एफ कौन सा फोर्स है, जो फोर्स हम सी सिलेंडर पर लगा रहे हैं। हमने लेट एफ फोर्स लगाया सिलेंडर सी पर, हमने एफ फोर्स लगाया सिलेंडर सी पर, तो पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ कहता है कि प्रेशर इक्वल होता है एट ऑल द पॉइंट्स। पास्कल लॉ कहता है कि प्रेशर इक्वल होता है एट ऑल द पॉइंट्स। तो अगर मैंने यहां पर एफ फोर्स लगाया, मैंने सी सिलेंडर पर जिसमें एक पिस्टन फिट है जिसका एरिया है स्मॉल ए, उस पर मैंने फोर्स लगाया, तो मेरा प्रेशर कितना बना, पी इज इक्वल टू एफ बाई ए। प्रेशर मेरा कितना बना, फोर्स पर यूनिट एरिया एफ बाई ए बना, मेरा प्रेशर बना एफ बाई में ए। बाय पास्कल लॉ यानी कि मैंने कहा था पास्कल लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। जो प्रेशर यहां पर है वही प्रेशर यहां भी देखा जाएगा, जो प्रेशर यहां पर है वही प्रेशर यहां पर भी देखा जाएगा। तो यहां पर लगाए जाने वाली फोर्स की वजह से जो प्रेशर यहां आया, यहां पर लगाए गए फोर्स की वजह से जो प्रेशर प्रोड्यूस हुआ, उस प्रेशर ने कितना फोर्स डी पर पड़ी हुई पिस्टन पे लगाया, ये हमें निकालना है। कहता है कि जो प्रेशर सी पिस्टन पर लगा, उस प्रेशर की वजह से पिस्टन डी पर या जो पिस्टन है सिलेंडर डी की, उस पर कितना अपवर्ड फोर्स लगा। आपने इधर से डाउनवर्ड फोर्स लगाया तो इधर से अपवर्ड फोर्स लगा, इधर से डाउनवर्ड लगाया तो इधर से अपवर्ड लगा, क्या होगा अपवर्ड फोर्स, एफ इज इक्वल टू पी ए होगा ना। प्रेशर मैंने क्या कहा, सेम रहेगा। पास्कल लॉ क्या कहता है कि प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी। तो जो यहां पर पी था
कैपिटल पी था वो यहीं पर आएगा, कैपिटल पी सेम वैल्यू रहेगी, क्योंकि पास्कल लॉ कहता है कि प्रेशर सेम है, तो जो यहां पर है वो यहीं पर भी वही वाला जो प्रेशर है वो रहेगा। तो पिस्टन डी पर अपवर्ड फोर्स इतना लग रहा है, एफ इज इक्वल टू पी ए, पी यानी कि एफ बाय इंटू ए। अब क्योंकि कैपिटल ए बहुत बड़ा है स्मॉल ए से, कैपिटल ए यानी कि पिस्टन इन डी जो है उसका एरिया बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पिस्टन फिटेड इन सिलेंडर सी, क्योंकि कैपिटल ए बहुत बड़ा है स्मॉल ए से, इसीलिए कैपिटल एफ बहुत बड़ा है स्मॉल एफ से। यानी कि जब मैंने यहां पर फोर्स लगाया, जब मैंने यहां पर फोर्स लगाया तो इस पिस्टन पर, इस सिलेंडर डी पर बहुत फोर्स लगा, ज्यादा फोर्स लगा। क्यों? कैपिटल एफ बहुत बड़ा है एफ से, मान लो मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया था तो कैपिटल एफ तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं यहां पर 10 गुना फोर्स लगा रही हूं तो कम से कम यहां 40 गुना लग रहा है। यहां पर जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, जो इस लोड को लिफ्ट करने में, उठाने में, ऊपर की तरफ करने में हेल्प करेगा, वो ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है? क्योंकि जब हम थोड़ा सा फोर्स लगा करके, हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया एफ, उस लगाए गए थोड़े से फोर्स की वजह से पिस्टन जो डी सिलेंडर में फिटेड है या जो डी सिलेंडर है वहां पर अच्छा खासा फोर्स लगा कैपिटल एफ, और वहां पर पड़े हुए लोड को, वहां पर पड़े हुए लोड को उसने लिफ्ट करने में हेल्प भी की, या उस लोड को लिफ्ट अपवर्ड्स इजली किया गया। ठीक है, तो ये था भी हमारा टॉपिक हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो आज की वीडियो में जो हमने सीखा हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है और भास्कर लॉ क्या है, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। बी रेडी विद वीडियोस, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टडी हार्ड। थैंक यू।